नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि पूरे परिवार के लिए है। इस रेसिपी का नाम है खोया मटर मखाना। और ये रेसिपी क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो मैंने सोचा मैं आपके साथ कोई एक रेसिपी शेयर करती हूँ जिसमें हम खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थोड़ी सी रिच होती है और जिसको आप फेस्टिवल्स के टाइम पर जब आपको कुछ स्पेशल चीज़ बनानी हो, नई चीज़ बनानी हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 100 ग्राम खोया लिया है, 1/2 कप लिया है हमने प्याज, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, 1/2 कप टमाटर का पेस्ट, 1/2 कप हमने मटर लिए। ये फ्रोज़न मटर है मेरे पास, पर अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप उनको पारबॉयल करके रख सकते हैं और फिर इस्तेमाल कीजिए। 1 कप मैंने मखाने लिए हैं और 1/4 कप काजू है। घी है मेरे पास, करीब 2 बड़े चम्मच हम घी यूज़ करेंगे। नमक है स्वाद अनुसार, कश्मीरी मिर्च है, 1/2 चम्मच से 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ी सी चीनी है और हम 1 तेज पत्ता का भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि हम ये रेसिपी कैसे बना सकते हैं। जैसा मैंने कहा ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और एक रॉयल डिश है जो आप कोई अगर घर में आ रहा है तो आप उसके लिए बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले घी गरम किया और उसमें काजू को थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लिया है, बहुत ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हमने निकाल लिया। अब उसी घी के अंदर मैंने मखाने डाल दिए हैं और इनको भी हम चलाते चलाते भून लेंगे जब तक पूरा घी वो एब्जॉर्ब ना कर ले। बिल्कुल देखिए सूख गया है, हल्का सा सुनहरा रंग आ गया है और हम इसको भी निकाल के साइड में रख देंगे। अब उसी पैन में मैं और 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, ये 1 टेबलस्पून घी है और इसमें हमने जीरा डाल दिया और तेज पत्ता डाल दिया और जैसे ये दोनों चीजें भुन जाएंगी हम इसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने एक साथ बनाया हुआ है उसको डाल दिया हमने और इसे हम भून रहे हैं जब तक ये थोड़ा सा गुलाबी सा ना हो जाए, इसका मॉइस्चर उड़ जाएगा। और इसको बीच बीच में चलाते रहिए, एकदम छोड़िए नहीं, नहीं तो ये काला हो जाएगा। तो चलाते चलाते हमें इसे भून लेना है, 2 से 3 मिनट में लगभग ऐसे हो जाएगा ये। अब हमने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है, कुछ इसमें हमने छिलके विलके अलग नहीं निकाले, बस टमाटर काट के उसको मिक्सी में पेस्ट बना दिया है। अब इसको हमें भूनना है जब तक इसका सारा पानी ना उड़ जाए। ये देखिए इसमें काफ़ी पानी आ रहा है, अभी हमने इसको पकने दिया तो ऐसा हमारा मसाला भून के दिख रहा है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे अपने, तो हल्दी डाल दी हमने, हल्दी तो इंडियन कुकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है यहाँ पे क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा रंग चाहिए, आप चाहे तो इसमें नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है, हम लोग घर में थोड़ा कम तीखा खाते हैं इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्च यूज़ की है। और ये ग्रेवी वैसे भी थोड़ी सी मीठी सी बनती है, तो ये हमने सूखे मसाले भी डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाला इसमें और इन मसालों को हम पकने देंगे। तो बस ये मसाला अच्छे से भुनना चाहिए। ये देखिए कैसे इसमें अच्छा सा रंग आ रहा है। हल्दी के बहुत फायदे होते हैं इसलिए हम ज्यादातर इंडियन कुकिंग में उसका इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, अब ये गरम मसाले को हमने भून लिया है और इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी और डाला है ताकि ये मसाला अच्छे से भुन जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और भूनते जाइए। ये देखिए कितना अच्छा रंग आ गया है अभी ग्रेवी का। अब इसमें हम खोया डाल देंगे, मसाला अच्छे से भुन चुका है तो इसमें बस ऐसे ही हाथ से तोड़ तोड़ के क्रम्बल करके हमने खोया डाल दिया है और ये बहुत ही क्रीमी सी ग्रेवी बनती है क्योंकि खोया इसमें आ जाता है।
और इसको हम चमचे की सहायता से तोड़ लेंगे ताकि अच्छी तरह से घुल जाएगा ग्रेवी में, पूरी तरह मिल जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे तो। और अब हमने इसमें मटर डाल दिए, जैसे मैंने पहले बोला ये पार्शियली कुक्ड मटर है। अगर आपके पास फ्रोजन पीस नहीं है तो आप मटर को आधा पका के फिर इसमें डाल दीजिए ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो अभी ये ग्रेवी अच्छी दिख रही है, मटर को हमें बस पकने देना है, काजू और मखाने को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, थोड़ा हमने पानी डाल दिया है इसमें, अच्छे से मिला दीजिए हर चीज़ को और 4 से 5 मिनट हमें मटर पकाने हैं। तो अब इसको बस थोड़ी सी चीनी डाल दी हमने फ्लेवर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब भी इस तरह की शाही रेसिपीज़ बनती हैं, आप शाही पनीर बनाए या कोफ्ता करी बनाए कोई, तो नॉर्मली थोड़ा सी मिठास रहती है उसमें। तो यहाँ पे भी हमने ज़रा सा चीनी डाली है और इसको ढक करके 5 मिनट के करीब पका लिया। अब ये ग्रेवी पूरी तरह तैयार है, मटर भी पक चुकी है। अब हम इसमें भुने हुए मखाने और काजू डाल देंगे और थोड़े से आप अलग रख लीजिए अगर आपको वो गार्निशिंग के लिए चाहिए तो। हमने डाल दिए, बस इसको मिला के मुश्किल से 2-3 मिनट इसको पकने दीजिए बिना ढके हुए और आपकी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप इसको प्लेन बासमती राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी, पराठा, जीरा राइस, फुलके, किसी भी चीज़ के साथ ये रेसिपी बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है ये। तो ज़रूर इसको अभी किसी न किसी फेस्टिवल के ओकेजन पे बना के ट्राई कीजिए और आई एम श्योर आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमेशा की तरह ज़रूर से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसे शेयर भी कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। बाय बाय।